औद्योगिक क्षेत्र बरोटीबाला के झाड़माजरी स्थित एप्टार उद्योग के प्रबंधकों व कामगारों में चल रहा विवाद अब भूख हड़ताल तक पहुंच गया है। उद्योग प्रबंधकों व श्रम विभाग की ओर से पांचवें दिन भी कोई फैसला न आने के कारण अब कामगार भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के झाड़माजरी स्थित एप्टार उद्योग के प्रबंधकों व कामगारों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये विवाद भूख हड़ताल तक पहुंच चुका है। भूख हड़ताल पर बैठने वाले कामगारों व अन्य कर्मचारियों का कहना है कि भूख हड़ताल के बाद भी अगर श्रम विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है तो भूख हड़ताल आमरण अनशन में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री के गत दिनों हुए बीबीएन दौरे के दौरान सभी कामगार उनसे मिले थे और उनको अपनी समस्याओं से अवगत करवाया था, जिस पर उन्होंने श्रम अधिकारियों को जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए थे, मगर लेबर ऑफिसर के पास अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलने का समय ही नहीं है। नीचे उनको भी बोला था कि दो दिन के अंदर अंदर इनको कंपनी के आप अंदर करवाओ और इस मामले को जल्दी से जल्दी जांच करवाओ, लेकिन उसके भी किसी को भी कोई असर नहीं हो रहा है। हम आज भी उसी पोजीशन में, आज पानी, भूख, प्यास, यहाँ कितनी परेशानियाँ हो रही लेडीज के लिए। यहाँ ना तो कोई टॉयलेट है, ना बाथरूम है, ना पीने के लिए पानी है, ना कोई सुविधा है, कितनी परेशानियों का। लेकिन एक मंत्री जी के बोलने के बावजूद भी प्रशासन वालों को, श्रम अधिकारी को, मैनेजमेंट को कोई असर नहीं हो रहा है सर। इसको लेके हम आज बहुत ही परेशान है। पता नहीं सर आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर हमारे किसी भी कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेवार हमारे लेबर इंस्पेक्टर होंगे या हमारा प्रशासन होगा या हमारा कानून व्यवस्था होगी। धन्यवाद। वहीं भारतीय मजदूर संघ के राजू भारद्वाज ने कहा कि कामगारों का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ कामगारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधक वर्ग अपने अड़ियल रवैये से बाहर नहीं आया और कामगारों को वापस उद्योग में नहीं लिया गया तो भारतीय मजदूर संघ कामगारों के साथ श्रम विभाग व उद्योग प्रबंधकों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। 26 तारीख से इन लोगों के साथ धक्कासाही हुई। 26 तारीख को इनको गेट से बाहर कर दिया और जब हम लेबर ऑफिस में गए, लेबर ऑफिस ने शिकायत पत्र दिया तो इन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। तो मंत्री साहब का दौरा भी था, यहाँ मंत्री साहब से भी मिल के गए, उसके बावजूद भी श्रम विभाग, ना श्रम विभाग कुछ कर रही है, ना पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब मिले हुए हैं और श्रम लेबर ऑफिसर साहब बाहर नहीं निकल सकते, इसी से बाहर नहीं निकल रहे। मजबूरन मजदूरों को यहाँ गेट पर भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ा। अगर अभी भी फैसला नहीं हुआ तो आगे अमरण अनशन भी करने। भारतीय मजदूर संघ हमेशा वर्करों के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।